सलार मूवी से जुड़े बहुत सारी चीजें आज सामने आ चुकी है, तो वन बाय वन हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। हम शुरू करते हैं श्रुति हासन से। श्रुति हासन की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उससे ही हम शुरू करेंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था हाल ही में, आपको पता होगा कि मैंने वहां पे बताया था कि श्रुति हासन एक जर्नलिस्ट का काम कर रही है वहां पे, आद्या रिपोर्टर है उसके किरदार का नाम। तो यहाँ पे वो चीज को बिल्डअप करते हुए अपडेट ये आया है कि श्रुति हासन कोल माइन की रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए ही वहां पे पहुंचेगी और सलार के साथ उसकी मुलाकात होगी और वो सलार की स्टोरी के साथ जुड़ जाएगी, ऐसा कुछ अभी सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ को सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वो वीडियो में कहा था कि वो शायद वो रिपोर्टर की फैमिली से आएगी जो कि केजीएफ के सूत्रधार थे, केजीएफ की एंकर भी हम कह सकते हैं। तो शायद वो रिपोर्टर की फैमिली से श्रुति हासन आएगी और वो रिपोर्टर की बहन, ऐसा कुछ हो सकती है। ये चीज़ के ऊपर पूरा भरोसा हो रहा है अभी कि ऐसा हो सकता है बोल करके। लेकिन सलार मूवी जब रिलीज होगा तब पता चलेगा कि श्रुति हासन की एक्चुअली में फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लेकिन देखते हैं। लेकिन ये कंफर्म है गाइस के श्रुति हासन एक रिपोर्टर के किरदार में ही नजर आएंगी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ऐसा कुछ अभी अपडेट आ रहा है। और दूसरी अपडेट ये है गाइस के, बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल अपडेट है ये, एक्चुअली खुफिया अपडेट है। तो वहाँ पे वो लोग भी ठीक से नहीं बता रहे हैं कि ये कन्फर्म है बोल करके, लेकिन कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है कि अभी रॉकिंग स्टार यस जी का ही शूटिंग चल रहा है। देखियो मतलब बहुत दिनों से पहले ये आ रहा था कि सलार की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बोल करके, फिर श्रुति हासन की शूटिंग को मतलब रैपअप किया गया है, श्रुति हासन की शूटिंग कंप्लीट हो चुका है बोल करके भी अभी हाल ही में आया है, लेकिन सलार की शूटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है बोल करके अभी कोई अपडेट नहीं आया है। और शूटिंग की अपडेट को लेकर के अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि शूटिंग कहाँ तक पहुँची और कितने दिन बाकी है ये सब कुछ। मैं पल पल में आपको शूटिंग की अपडेट देता था कि 10 दिन और 12 दिन और ये मैं रोज़ एक एक वीडियो में आपको मतलब पेश कर रहा था, लेकिन अभी मेरा भी मुंह बंद है ये शूटिंग की अपडेट को लेकर के। शायद ये जो खुफिया अपडेट जो हमें मिली है कि रॉकिंग स्टार यश जी का शूटिंग चल रहा है बोल करके, तो ये सच हो सकता है क्योंकि ये शूटिंग को ये लोग कॉन्फिडेंशियल तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सलार मूवी में रॉकिंग स्टार यश जी का मतलब रॉकी भाई की कैमियो, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि डबल धमाका है, डबल गुजबम है और सलार मूवी को और ज़्यादा चार चांद लगाने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ अगर सरप्राइज तरीके से मिलती है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शायद ये शूटिंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से हो रहा होगा, इसलिए कोई शूटिंग की अपडेट अभी नहीं आ रहा है गाइस। और इसको लेकर के और एक अपडेट ये आया है कि सलार की क्लाइमेक्स में ही रॉकिंग स्टार यश जी का मतलब रॉकी भाई का एंट्री होने वाला है बोल करके। तो इसी हिसाब से ये सारा चीज़ को कैलकुलेशन अगर करते हैं, सलार की शूटिंग तो कंप्लीट होने लगी है, तो शायद ये कॉन्फिडेंशियल तरीके से शूटिंग अभी चल रही है, इसलिए शूटिंग की अपडेट अभी कुछ भी नहीं आ रहा है गाइस, इतना कन्फर्म है। और दूसरी बात है क्लाइमैक्स में रॉकी भाई की एंट्री होगा और क्लाइमैक्स जो है मतलब फिल्म ख़त्म जब होगा तो एनटीआर जी का वॉयस से ही फिल्म ख़त्म होने वाला है कि सलार 2 के बारे में वो कुछ बताएंगे, कुछ होगा और उनकी वॉयस से ही मतलब उनकी वॉयस गूंजेगा और सलार मूवी जो है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है ना गाइस। और दूसरी बात है सलार की ड्यूरेशन को लेकर के है कि मैं आपको बताया था कि 3 आवर्स हो सकती है या फिर 3 आवर्स से कम हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें पता चली है कि सलार मूवी का ड्यूरेशन, उसका जो मतलब जो लेंथ है वो 3 आवर्स ही होने वाली है, मतलब 3 घंटे की फिल्म ये कन्फर्म हो चुकी है अभी कि 3 घंटे की फिल्म होने वाली है। तो गाइस बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि मतलब ये करते हैं, कमेंट करते हैं कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसकी लेंथ कैसे पता चला बोल करके। तो मैं यहाँ पे उनको बताना चाहूँगा कि शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है गाइस, लेकिन फिल्म तो प्रशांत नील के दिमाग में कंप्लीट हो चुका है ना कि वो क्या क्या करने वाले हैं। तो इसी हिसाब से ये जो अपडेट आ रही है कि 3 आवर्स अप टू 3 आवर्स अदरवाइज 3 आवर्स ये कंफर्म हो सकती है, क्योंकि फिल्म की प्लॉट जिस तरह का बताया जा रहा है तो 3 आवर्स कुछ भी नहीं है, पक्का ये ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात है आज एक बहुत बड़ी दिन है सलार मूवी के लिए, जो कि हम कल इसकी एक टीजर की माफी एक वीडियो बना ही दिया था ये बुक माई शो वाला के प्रभास जो है ऑलमोस्ट 1 लाख हो चुका है बोल करके। तो कुछ हज़ार सम थाउजेंड खाली बाकी था जो कि आज पूरा हो चुका है। कल मैं ये वीडियो कभी इवनिंग को छोड़ा था लेकिन रातों रात ये 1 लाख पार कर चुका है और अभी मैं चेक कर रहा था तो 1,02,000 हो चुका है गाइस। तो सिर्फ एक रात में सलार की तकरीबन 10,000 तक की इंटरेस्ट बढ़ चुकी है और फिल्म को रिलीज होनी है कब, 6 महीने के बाद। यस 6 महीने के बाद रिलीज होनी है गाइस। सर 6 महीने के अंदर कितने सारे पैन इंडिया फिल्म रिलीज होनी है आपको पता है ना, बहुत सारे पैन इंडिया फिल्म रिलीज होनी है, बहुत सारी फिल्में रिलीज होनी है, लेकिन सलार मूवी को लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं देखो यार।
कमाल है यार, बहुत ज्यादा सलार मूवी का हाइप बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। ये फिल्म तो मतलब कमाल ही करेगा, बहुत कमाल करेगा सच में। ये बुगमाए शो का ये 1 लाख वाला इंटरेस्ट देख करके सच में एकदम से अभी से घुसबम मिलने लगी है कि सलार मूवी के ऊपर लोगों का कितना भरोसा है। बड़ा मजा आएगा यार सच में। 6 महीने, आधी साल बाकी है और 1 लाख इंटरेस्ट आ चुका है यार। फिल्म रिलीज के दौरान, फिल्म चल रही होती है, फिल्म रिलीज के दौरान भी उतना नहीं होता है, लेकिन 6 महीने से पहले 1 लाख की इंटरेस्ट, मजा आ गया देख करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।